राणा जी, रविंद्र राणा जी, अमित शाह जी, अमित शाह जी, अमित शाह जी, ये वो आपके दिलों की धड़कन है जिन्होंने बिना मांगे आपको एसटी का दर्जा पहाड़ियों को देके आज इस मंच पर आपके सामने विराजमान है। हम शुक्रिया अदा इनका करते हैं कि जो हमारी निशारा की धरती पर आज पहुंचे हैं, और एक कर्ज इनका हमारे ऊपर था और आज रविंद्र राणा जी को यहां से जिता के हम उनका पूरा करने वाले हैं। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मैं सूबेदार चौधरी ज्ञान जी से, जो कि जिनकी आयु 100 वर्ष है और आज माननीय गृह मंत्री जी का पगड़ी पहनाकर वो स्वयं सूबेदार चौधरी ज्ञान साहब, तो अब मैं हमारे जो मंडल प्रेसिडेंट हैं उनसे अपील करूंगा कि शाह साहब को चुन्नी पर आके उनका स्वागत करें। तो अब मैं राणा साहब से अपील करूंगा कि वो आके अपने स्टेज संभालें। सभी मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथी, दोस्त, बुजुर्ग हाथ खड़ा करके जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार, मोदी सरकार, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नौशहरा की इस पवित्र धरती पर हमारे बीच हमारे देश के परम श्रद्धे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह साहब का दिल की गहराइयों से हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर जो शख्स हमारे देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनका नाम है श्री अमित भाई शाह साहब। आज हमारे लिए ये खुशी की बात है कि नौशहरा की सरजमी पर ऐसे ऐसे तेजस्वी, ओजस्वी और हमारे देश के एक बहुत बड़े बब्बर शेर की तरह काम करने वाले धाकड़ अमित शाह साहब यहां पहुंचे। साथियों, आज चुनाव का दौर है। माननीय गृह मंत्री जी, इस नौशहरा की सरजमी पर आज नौशहरा शहर हो, नौशहरा का वेस्टर्न एरिया, नोनियाल, चौकी, हंडन, कलसिया, भवानी, झंगड़, शेर, मकड़ी, भजनोवा, मानपुर, ढनक्का, लंगर, गनिया,
लाम लड़ोका पुखरनी कंपला अंगरूट बगला राजपुर भाटा कमीला किला धराल नारियां चिंगस डगानी समकर के साथ साथ हमारे बॉर्डर का एरिया कलाल सेरी सियाल डींग मंग्योट कलाई दबूड़ा बैरी पतन दब्बड़ पोठा खैड़ी धड़ात और उसके साथ साथ कांगड़ी बाजाबाई ना सूफा तला टांडा ठिचका और राजल डंडेसर भगनोटी चट जराला और लंबेड़ी की जनता आज आपके बीच यहां समकक्ष पहुंची। माननीय गृह मंत्री जी, आप जानते हो ये बॉर्डर का एरिया है, ये वही क्षेत्र है जिसके बॉर्डर के ऊपर हमारे विंग कमांडर अभिनंदन साहब ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। यहां से 10 किलोमीटर दूर शेर मकड़ी का झंगड़ लड़ोका का वो एरिया जहां वो घटना हुई थी। और फिर जब अभिनंदन साहब LOC के उस पार चले गए थे, 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान में वापस लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने किया। माननीय गृह मंत्री जी, यहां जब मैं 2014 में MLA का चुनाव लड़कर जीत कर आया तो नौशहरा के बॉर्डर में बहुत परेशानियां थी। प्रधानमंत्री मोदी साहब के आशीर्वाद से यहां नौशहरा वेस्टर्न और LOC के एरिया में घर घर में जो बंकर बने हैं, बंकर वो मोदी सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। ये नौशहरा का डिग्री कॉलेज एक छोटे से मिडिल स्कूल की बिल्डिंग में चलता था, आलीशान डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग नौशहरा बनी है, ये रविंदर रैना ने यहां बनवाई है। यहां लड़ोका के अंदर जो हाई सेकेंडरी बना, जो किला धराल में हाई सेकेंडरी बना, जो सूफा के अंदर हाई स्कूल बना, जो यहां सड़कें बड़े बड़े पुल बिजली के रिसीविंग स्टेशन नौशहरा में बिजली की वर्कशॉप गांव गांव में सड़कों का जाल शहर शहर में इस नौशहरा शहर में डेवलपमेंट ये सारे काम सिर्फ 3.5 साल MLA के नाते हमने किए, क्योंकि 2018 में सरकार टूट गई थी और यहां गवर्नर साहब का रूल लगा था। माननीय गृह मंत्री जी, हमने कोशिश की, हंजाना और बरेरी के पुल का पैसा सैंक्शन कराया, हमने उस जगह राजपुर कमीला और किला धराल जहां बस डूब गई थी, 75 लोगों की जान चली गई थी, वहां के लिए 10 करोड़ रुपया मंजूर करा के पुल का काम रविंदर रैना ने शुरू किया। यहां हमारे सिख भाई बहन रहते हैं ढलियां, वहां बंदा वीर बहादुर जी के नाम का पुल का काम चल रहा है। इसी तरह दब्बड़ और बगनोटी का पुल, धड़ाट और ढेरा का पुल, तला और धंधानी का काम, रवाड़िया तला और तला टांडा के बीच काम, इस नौशहरा की सरजमी पर पिछले 10 साल में बहुत बड़े पैमाने पर जो डेवलपमेंट के काम हुए वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब की देन है। आज बॉर्डर के ऊपर शांति है, अमन खुशहाली है, यह प्रधानमंत्री मोदी साहब की देन है। वरना हर 6 महीने में ये बॉर्डर के लोग उजड़ कर जाते थे। आज बॉर्डर में अमन शांति खुशहाली भाईचारा है,
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, इस नारे को धरातल पर लाने का किसी ने काम किया वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने किया है। आज जबकि मोदी साहब अमित शाह साहब गोल्डन कार्ड हर एक मेरे भाई बहन के पास है, 5-5 लाख, मैं चाहता हूं हाथ खड़ा करके बताएं जिन्होंने गोल्डन कार्ड बनाए हैं मोदी साहब के, वह हर एक शख्स की जेब में गोल्डन कार्ड है, तालियां होनी चाहिए मोदी साहब के लिए। किसानों को 6-6 हजार, गरीबों को फ्री राशन, गरीब लोगों को बुढ़ापा 1000-1000 पेंशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली बेटी सुकन्या समृद्धि योजना, कितने बड़े बड़े काम प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने किए। गरीबों के घरों में मकान, गरीबों के घरों में टॉयलेट बाथरूम, गरीबों का भला, आम लोगों का भला, हर इंसान का भला अगर किसी ने किया है वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब। मेरे भाइयों बहनों, आज जब हम यहां चुनाव लड़ रहे, असेंबली का इलेक्शन है, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र भाई मोदी साहब है और कमल के फूल का निशान है, तो दूसरी तरफ एनसी पार्टी है, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी। आपने फारूक अब्दुल्ला का बयान सुना है? सुना है फारूक अब्दुल्ला का बयान? फारूक अब्दुल्ला ने एनसी पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र ऐलान किया है। उन्होंने नहीं कहा कि कोई गरीब की मदद करेंगे, सड़कें स्कूल हॉस्पिटल बिजली पानी इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला साहब ने क्या ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार आई तो जेलों से सारे बाहर निकाल देंगे। मैं आपसे पूछता हूं, जो जेलों के अंदर बंद है क्या उनको छोड़ना चाहिए? क्या उनको छोड़ना चाहिए? एक तरफ वो जेल के अंदर बंद कैदियों, देश के खिलाफ जंग छेड़ने वालों से प्यार मोहब्बत जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने हमारी आर्मी के जवानों को गालियां दी हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बीएसएफ सीआरपी एसएसबी और जम्मू कश्मीर पुलिस के खिलाफ गलत इल्जाम लगाए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने बहुत बड़ा पाप किया है। माननीय गृह मंत्री जी, यहां नौशहरा के इस धरती में हर घर में एक फौजी है, हर घर में एक पुलिस वाला है, हर घर देशभक्तों का घर है। इसीलिए ये देशभक्त जनता प्रधानमंत्री मोदी साहब, भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल पर 25 सितंबर को बटन दबाकर यहां नौशहरा में कमल का फूल खिलने वाला है। साथियों, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब जिन्होंने बहुत बड़ा तारीखी फैसला किया, बहुत बड़ा तारीखी फैसला, पहला काम गुज्जर बकरवाल कबीले के लोगों के हक महफूज रखे, उससे कोई छेड़खानी नहीं होने दी, और फिर पहाड़ी कबीले को, पहाड़ियों को एसटी का स्टेटस देने वाले हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं। इतना ही नहीं, जो हमारे जो मेरे जाट बरादरी के भाई बहन हैं उनको डबल फायदा, डबल पहाड़ी का स्टेटस भी और ओबीसी का स्टेटस भी अमित शाह साहब ने दिलवाया। यहां हमारे
दलित समाज के भाई बहन, यहां सिख समाज, सिख भाई आनंदमय रिजेक्ट, जम्मू कश्मीर में एनसी ने नहीं लागू होने दिया था, वो माननीय अमित शाह साहब ने लागू किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के छोटे साहबजादे फतेह सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी महाराज, उनके जन्मदिन को वीर बाल दिवस प्रधानमंत्री मोदी साहब ने उसका ऐलान किया। और यहां आनंदपुर जो कॉरिडोर है, वो कॉरिडोर जो हमारे सिख भाई बॉर्डर के उस पार ननकाना साहब गुरुद्वारा साहब के दर्शन करके माथा टेकना चाहते, वो ख्वाब सोचते थे, वो अगर किसी ने पूरा किया, प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने किया। साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, हम आपके सेवादार हैं, हम आपके पहरेदार हैं, हम आपके खादिम हैं, खादिम सब हमारे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पहाड़ी गुजर बकरवाल सिख समाज, मेरी जाट बरादरी के भाई बहन, मेरे दलित समाज ओबीसी समाज, हम सब मिलकर जो मोदी साहब का नारा है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस मिशन को पूरा करेंगे और एक साथ भारतीय जनता पार्टी को यहां से जिताएंगे। माननीय गृह मंत्री जी, यहां ये जो नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता है, इन्होंने इससे पहले की सरकारों ने इनके साथ बहुत जुल्म किए, लेकिन हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब यहां बैठे हैं, यहां एक नारा नौशहरा की जो चाहत है, जो आप चाहते हो, जो नौशहरा अपने दिल में तमन्ना रखता है, ना रार ना पार ना सज्जे ना खपे, नौशहरा की धरती को बुलंद तरीके से माननीय गृह मंत्री यहां की सारी डिमांड को पूरा करने के लिए आज हमारे बीच में है। नारा लगा था ना खब्बे ना रार ना नुशहरे के बिच बिचकार। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जोरदार तालियों से खड़े होकर माननीय गृह मंत्री जी का अभिवादन करें। माननीय गृह मंत्री जी।